नीट 22 की काउंसलिंग एंड होने के कगार पर है। अभी एमसीसी के लास्ट राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड बचा हुआ है जो 16 दिसंबर 22 से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि 16 दिसंबर 22 से स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसके बाद में काउंसलिंग एंड हो जाएगी। जो काउंसलिंग एंड होने की डेट है वो 20 दिसंबर 22 रखी गई है एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। तो इसमें हम इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड की कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद भी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए सीटें बचेंगी, अगर ये बचेंगी तो क्यों बचेंगी, इनकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हर्षाय चोपड़ा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसका शेड्यूल क्या है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो शेड्यूल है वो 16 दिसंबर 22 से स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा 16 दिसंबर 22 को, और इसकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 17 से 20 दिसंबर 22 तक होगी, यानी 20 दिसंबर को एमसीसी की काउंसलिंग एंड हो जाएगी। अभी यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें सीट ब्लॉक होने के चांसेस हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। सीट ब्लॉक होने के चांसेस क्यों हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सीट ब्लॉक इस प्रकार से होंगी क्योंकि अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 16 दिसंबर 22 से स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि रिजल्ट इसका 16 दिसंबर 22 को आ जाएगा। अभी कंडीशन इसकी ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की फ्रेश च्वाइस नहीं ली जा रही है कैंडिडेट से, और जो मोपअप राउंड की च्वाइसें थी उसी मोपअप राउंड की च्वाइसों के अकॉर्डिंग ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट होगा। तो जब इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड का अलॉटमेंट मोपअप राउंड की च्वाइस के अकॉर्डिंग ही होगा, तो जिन स्टूडेंट्स को स्टेट में सीट मिल रखी है या स्टेट में मोपअप राउंड में सीट मिली है, पहले तो जिनको सीट मिली है वो तो इलिजिबल नहीं है, सेकेंड राउंड तक जिनको स्टेट में भी सीट मिल गई है वो इलिजिबल नहीं है, मोपअप में जिनको सीट मिल गई है एमसीसी के में वो भी इलिजिबल नहीं है। लेकिन अब इस दौरान ये 12 दिसंबर को लास्ट डेट ज्वाइनिंग है एमसीसी की मोपअप राउंड की, अब इस मोपअप राउंड के बाद अगर किसी स्टूडेंट को उनके स्टेट में सीट मिल जाती है, मान लो 13 या 14 को राजस्थान में ही अलॉटमेंट है, राजस्थान में ही काउंसलिंग है ऑफलाइन, और किसी बच्चे को मोपअप में सीट नहीं मिली, एमसीसी के मोपअप में सीट नहीं मिली, और उस कैंडिडेट को वो बाउंड्री लेवल पर है और उस कैंडिडेट को राजस्थान के मोपअप में सीट मिल चुकी है, तो जब राजस्थान के मोपअप में सीट मिल चुकी है और 16 को इसका अलॉटमेंट आ जाएगा एमसीसी का स्ट्रे का, तो बाउंड्री लेवल पर है इसलिए एमसीसी में भी उसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल सकती है। काफी सारे स्टेट की, ये राजस्थान का तो मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन काफी सारे स्टेट्स के जो मोपअप राउंड के अलॉटमेंट है 15-16 को आ रहे हैं और उसी के दौरान एमसीसी का स्ट्रे का भी रिजल्ट आ जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है कि स्टेट के उन कैंडिडेट्स को एमसीसी के स्ट्रे से निकाल दिया जाए जिनको स्टेट में सीट मिल गई है मोपअप में, ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि किसी किसी स्टेट के मोपअप का रिजल्ट बाद में आ रहा है, एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी के बाद भी आ रहा है, और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में तो अभी काउंसलिंग ही होल्ड पर है। तो इस प्रकार से इसमें सीट वैकेंट होने के, सीट ब्लॉक होने के चांसेस हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीटें ब्लॉक होंगी, कैसे होंगी, स्टूडेंट न चाहते हुए भी ये सीट ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को मोपअप में, स्टेट के मोपअप में सीट मिल गई तो उसको हो सकता है कि एमसीसी के स्ट्रे में भी सीट अलॉट हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। एमसीसी अगर यहां एक कंसेंट लेता कि अगर किसी कैंडिडेट को स्टेट के मोपअप में सीट मिल गई है वो यहां पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, और वो अगर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहे तो वो यहां नो कर सकता है, अगर इस प्रकार का कंसेंट लेता ये, तो ये सीटें ब्लॉक होने के कोई चांस नहीं थे। लेकिन अभी स्टूडेंट को मोपअप राउंड में सीट मिलेगी स्टेट के मोपअप में, और स्टेट के मोपअप में सीट मिलने से उसको एमसीसी के स्ट्रे में भी सीट मिल सकती है, और एमसीसी के स्ट्रे में अगर सीट मिलेगी तो वो सीट ब्लॉक हो जाएगी। तो हम ऐसा मान रहे हैं अभी इसमें कि जो सीट ये वैकेंट होके आएंगी आगे स्ट्रे के बाद में सीट वैकेंट होंगी वो 300 के नियर बाई सीटें वैकेंट होंगी, ऐसा हम मान रहे हैं।
और हो सकता है इसके लिए पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, इतनी सारी जब सीटें वैकेंट होके आएंगी तो इसके लिए एमसीसी द्वारा स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाया जाए। मैंने आपको पॉसिबिलिटी भी बता दी है और यह भी बता दिया है कि ऐसा हो सकता है। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें क्या कट ऑफ रह सकती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। कट ऑफ के बारे में मैं बता दूं, मैंने अभी तक जो कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो तकरीबन एक्यूरेट गई है। मैं काफी समय से 595 कट ऑफ जनरल कैटेगरी की बोलता आ रहा हूं नीट 22 के लिए, और यही जाने की पूरी उम्मीद है कि तकरीबन यही जा चुकी है। मैंने रिजल्ट आने से पहले भी बताया था, रिजल्ट आने के बाद भी 595 कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी। आप वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो पड़े हुए हैं चैनल पर। तो अभी मैं आपको जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने जा रहा हूं, मोपअप राउंड की भी मैंने 597 598 कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, वही कट ऑफ रही है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो कट ऑफ जा सकती है वो यूआर कैटेगरी की 596 कट ऑफ जा सकती है। अभी ये 597 मोपअप राउंड की गई थी तो हम इसमें ज्यादा डाउन नहीं मान सकते, क्योंकि सीट ब्लॉक का मैंने आपको रीजन बता दिया है। इसके बाद में ओबीसी की कट ऑफ 596 जा सकती है और ईडब्ल्यूएस की 595 जा सकती है इसमें। इसके बाद एससी कैटेगरी की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 453 जा सकती है और एसटी की 420 जा सकती है। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा मोपअप से स्ट्रे में, लेकिन अगर स्पेशल स्ट्रे कंडक्ट होता है तो उसमें काफी कट ऑफ डाउन चली जाएगी। उसका रीजन ये है कि उसमें जिसमें स्ट्रे तक जिसको कैंडिडेट को सीट मिल रखी है वो कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल नहीं हो सकता है, और ये कट ऑफ डाउन जा सकती है कम से कम 2 या 3 मार्क्स। 2 या 3 मार्क्स में भी काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए ये इतनी कट ऑफ तो डाउन जा सकती है। तो इसकी अगर एक बार हम कट ऑफ देखें तो इसमें यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी की 593 रह सकती है, ओबीसी की 593, ईडब्ल्यूएस की 592, एससी की 440 और एसटी की 415 कट ऑफ रह सकती है अगर स्पेशल स्ट्रे कंडक्ट हुआ तो। ये स्पेशल स्ट्रे एमसीसी पर डिपेंड करता है कि वो इतनी सारी सीटें वैकेंट होके आएंगी तो इस पर स्ट्रे कंडक्ट करवाए स्पेशल या ना करवाए, वो तो एमसीसी पर डिपेंड करता है। लेकिन जब अगर 300 सीट्स वैकेंट होके आएंगी तो हम ऐसा पॉसिबिलिटी मान रहे हैं कि स्पेशल स्ट्रे कंडक्ट हो सकता है, और स्पेशल स्ट्रे कंडक्ट हो सकता है तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो ये मैंने आपको पूरी पॉसिबिलिटी बता दी है, और आप अगर मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि जो कट ऑफ है मैं प्रेडिक्ट करता हूं वो डाटा के साथ में कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूं, पूरा एनालिसिस करके कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूं, और वो तकरीबन उतने ही जाती है। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस तो रहता ही है, लेकिन वो तकरीबन कट ऑफ एक्यूरेट सी जाती है। तो ये जानकारी थी स्पेशल स्ट्रे और स्ट्रे वैकेंसी के बारे में। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं, और नीट 23 रिलेटेड भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन मिलेगी, एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मोटिवेशनल आपको वीडियोज इस चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूं विदा। जय हिंद।